हत्या डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की अप्रैल में प्रयागराज में पुलिस हिरासत में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। अतीक अहमद और अशरफ प्रयागराज में इसी साल फरवरी में हुए उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी भी थे। पुलिस ने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में गुरुवार को चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस ने अपने चार्जशीट में दावा किया है कि अतीक अशरफ की हत्या में सुपारी किलिंग और गहरी साजिश का सबूत नहीं मिला है। पुलिस ने अपने चार्जशीट में मौके से गिरफ्तार अरुण मौर्य, सन्नी और लवलेश तिवारी को आरोपी बनाया है। एसआईटी की तरफ से दाखिल की गई चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर प्रतापगढ़ जेल में बंद तीनों आरोपियों को शुक्रवार को तलब किया है। माफिया ब्रदर्स अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में आज एसआईटी ने सीजीएम कोर्ट में चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी है। 2000 पेज की ये केस डायरी है जिसमें से 56 पेजों के आरोप पत्रों को भी इसमें दाखिल किया है। इसके साथ ही इन आरोप पत्रों में तीनों हत्या आरोपियों के जो जुड़े हुए जो सबूत हैं और इसके साथ ही जो वैज्ञानिक साक्ष्यों के जो तथ्य हैं वो शामिल किए हैं। सबसे अहम जानकारी आपको बता दें कि जैसे ही 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड हुआ तो उसके बाद ही जो ये तीनों हत्या आरोपी हैं सनी, अरुण और लवलेश, इन लोगों ने बांदा जिले में रहकर फर्जी आधार कार्ड बनवाया था। ये सारी चीजें निकलकर तब सामने आई जब पुलिस ने इन तीनों हत्या आरोपियों को कस्टडी रिमांड पर लिया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि सनी, लवलेश और अरुण की दोस्ती कब और कहां हुई है वो भी इस केस डायरी में जिक्र किया है। इसके साथ ही उन असलहों का भी जिक्र किया है जो कि काफी महंगी पिस्टल्स बताई जा रही थी कि जो हत्या के समय पर इस्तेमाल किए गए थे। इन सारे साक्ष्यों को इस केस डायरी में शामिल किया है और ये पूरी केस डायरी जो है 2000 पेज की ये केस डायरी है। प्रयागराज से विनय सिंह रघुवंशी, TV9। दरअसल 24 फरवरी प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी गई। उमेश पाल की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ, उसके छोटे बेटे असद समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया था। पुलिस पूछताछ के लिए साबरमती जेल में बंद अतीक और बरेली जेल में बंद अशरफ को प्रयागराज लाई थी। यहाँ 15 अप्रैल की रात पुलिस ने अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए अस्पताल में लाई। अस्पताल के बाहर अरुण मौर्य, सनी और लवलेश पत्रकार बनकर पहुंचे। जैसे ही अतीक और उसका भाई अशरफ मीडिया से बात करना शुरू किया, तीनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान 18 राउंड गोलियां चली जिसमें 9 गोली अतीक अहमद को लगी और दोनों की मौके पे मौत हो गई। अतीक भाई को जाओगे?